वीवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा वीडियो जनरल नॉलेज क्विज 11 पार्ट है, जिसमें हम कुछ जनरल नॉलेज के नए क्वेश्चन देखेंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारे कुछ दीगर चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर एक चैनल है ग्रीन आर्ट पॉइंट, इसमें सारे आर्ट और क्राफ्ट के वीडियो होते हैं। और हम जानते हैं कि स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट होता है WE, वर्क एक्सपीरियंस या क्राफ्ट का, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। दूसरा जो हमारा चैनल है वो है वसीम सादिक वीलॉग्स, इसमें सारे तारीखी मकामात के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर दो वीडियो जो नज़र आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो पहला वीडियो आप इसमें देखेंगे तो इसमें मुमताज़ की कब्र का वीडियो है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। सबसे पहले मुमताज़ को जब 6 महीने दूसरी कब्र में बुरहानपुर में रखा गया था, उसके बाद 6 महीने बाद उसको निकाल कर आगरा ताजमहल में शिफ्ट किया गया था। तो ये कब्र बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि बुरहानपुर के अंदर बहुत ही ख़राब सड़कें हैं और इसका कोई ख्याल भी रखा नहीं जाता, इसलिए काफ़ी बुरी हालत में ये दोनों भी है। और दूसरा है यहाँ पर आऊ खाना, ये भी बुरहानपुर में है। ये यहाँ पर मुग़ल के जो बच्चे हैं उनके घर की जो औरतें हैं वो शिकार वगैरह सीखा करती थी, और उनकी जैसे आज के दौर में हम गार्डन वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनके रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर जाया करते थे। तो ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बोसीदा हालत में है। अब ये हो सकता है 25-30 साल बाद ये टूट के गिर जाए, तो आप इसे देखिए और हुकूमत से मुतालबा भी कीजिए कि इसको अच्छा रखिए और इसके लिए कुछ अलग से फंड जारी करे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, हम जनरल नॉलेज क्विज 11। हांगकांग कितने जजीरों पर मुश्तमिल है? हांगकांग 236 जजीरों पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा कहां है? मस्जिद अक्सा यरूशलेम में है, इसका सही नाम है बैतुल मुकद्दस और ये फलस्तीन में है। दोजख नाम का रेलवे स्टेशन कहाँ है? दोजख नाम का रेलवे स्टेशन नॉर्वे के अंदर है। डल झील कौन सी रियासत में है? डल झील कश्मीर रियासत में है। ट्रांसफार्मर क्यों नस्ब किए जाते हैं, यानी ट्रांसफार्मर को क्यों लगाया जाता है? बरकी दबाव कम या ज्यादा होने पर काबू रखने के लिए, जो बरकी दबाव होता है वो कम ज्यादा होता है उस पर काबू रखने के लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। रकबे के लिहाज से भारत का दुनिया में कितना नंबर है? रकबे के लिहाज से भारत का दुनिया में 7वां नंबर है। भारत के शुमाल में कौन से ममालिक है? भारत के शुमाल में कौन से ममालिक है? भारत के शुमाल में नेपाल, भूटान, चीन, रूस और अफगानिस्तान है, ये ममालिक भारत के शुमाल में हैं। भारत के जुनूब में कौन से ममालिक है? भारत के जुनूब में कौन से ममालिक है? वो ममालिक है मालदीप और श्रीलंका। भारत के जुनूब में मालदीप और श्रीलंका है।
मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तहरीरें किस नाम से लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तहरीरें लाला धनपत राय के नाम से लिखी थी। कैल्शियम का समंदर किसे कहते हैं? कैल्शियम का समंदर किसे कहते हैं? तो कैल्शियम का समंदर दूध को कहते हैं। टेलीफोन के लफ्जी मानी क्या है? टेलीफोन के लफ्जी मानी क्या है? टेलीफोन के लफ्जी मानी दूर की बात है। दूर की बात। आबदोज किस जबान का लफ्ज है? ये फारसी का लफ्ज है, आबदोज। तुर्की के सुल्तान को क्या कहते हैं? तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहते हैं। हवा महल ये तारीखी इमारत कहाँ वाक़े है? हवा महल ये तारीखी इमारत जयपुर राजस्थान में वाक़े है। वो कौन सा परिंदा है जो सर उठाए बगैर पानी पीता है? वो कौन सा परिंदा है जो सर उठाए बगैर पानी पीता है? वो परिंदा है कबूतर, ये सर उठाए बगैर पानी पीता है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल पे इसी तरीके से विजिट करते रहिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।